सुबह की बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली हाईकोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई से कहा कि वो तेजस्वी यादव को मार्च में गिरफ्तार ना करें। तेजस्वी यादव 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की सीबीआई की ओर से समन्स रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आनंद, क्या कुछ कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से? जी देखिए, आज दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव मामले में सुनवाई थी, जिसके बाद 25 मार्च को अब दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में सुबह 10:30 बजे जो तेजस्वी यादव है उन्हें पेश होना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये आश्वासन देते हुए कहा है कि इस महीने इस मामले में उनको नहीं गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव के वकीलों की तरफ से दलील दी जा रही थी कोर्ट में कि उन्हें सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी, जिसपे सीबीआई ने कोर्ट के सामने साफ किया कि उनसे पूछताछ करना है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की सीबीआई द्वारा जारी सम्मन को रद्द करने की मांग को भी ठुकरा दिया है। तो अब 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे तेजस्वी यादव सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और वहां पर देखना होगा कि किस तरह से वो पूछताछ का सामना करते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आनंद तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है, और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। जहां दुनिया भर में पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड में एक ऐसी महिला है जिसने संकल्प लिया है कि वह अपने प्रिय जंगल का ऐसा हश्र कभी नहीं होने देंगी। देखने में तो वह गांव की साधारण महिला की तरह लगती हैं, पर 40 महिलाओं के सहयोग के साथ अपने आसपास के 250 एकड़ जंगल को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया है, और वह अपनी इस जिम्मेदारी को पिछले 13 वर्ष से बखूबी निभा रही है। कंडोनी सोरेन, जिन्हें जंगल की शेरनी के नाम से जाना जाता है, 40 महिलाओं के साथ मिलकर यह समूह जंगल में पारंपरिक हथियारों से लैस नियमित पहरा लगाता है, ताकि उनकी प्राकृतिक विरासत लालची टिम्बर माफिया की पहुंच से बाहर रहे। 2010 से हम लोग शुरुआत किए, एक टीम बनाए और हम लोग का पेड़ पौधे बचाने का एक मुहिम चला रहे। रास्ते में तो बहुत तरह तरह की दिक्कत और चुनौती का सामना करना पड़ता है। अपने रोजमर्रा के